तो आज की जो ये वीडियो है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को हल्का सा भी स्किप किया तो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मिस कर देंगे, जो कि बिगिनर्स को जानने बहुत ज़रूरी हैं। Family, this is Nikhil Nautiyal, A certified personal trainer and ESA certified fitness nutrition specialist. तो आज की जो ये वीडियो है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, खासकर बिगिनर्स के लिए, क्योंकि जब भी कोई नया लड़का या लड़की जिम ज्वाइन करते हैं तो उनके मन में ये क्वेश्चन एक बार जरूर उठता है कि आज मैंने जाके जिम में वर्कआउट करना क्या है। तो ऐसे में दोस्तों, सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आप अपने आप को इंजर्ड कर सकते हैं, और आपका जो जिम का पहला एक्सपीरियंस है वही अगर खराब हो गया तो मुझे नहीं लगता कि आप बाद में इन फ्यूचर कभी दोबारा से जिम ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए जिम का जो पहला एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, और यही इस वीडियो के थ्रू मैं आपको करवाने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, उन एक्सरसाइज को आपने कैसे करना है, कितने सेट करने हैं, कितने रेप्स करने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन इस वीडियो के नीचे ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस बटन को क्लिक कर दीजिए, और साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा, फ्यूचर में आने वाली हमारी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप कभी भी मिस नहीं करेंगे, और आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। तो आज के इस वर्कआउट में हम टोटल 7 एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, जिनमें से 6 एक्सरसाइजेस जो हैं वो आपकी मशीन असिस्टेड एक्सरसाइजेस हैं और एक आपकी बॉडी वेट एक्सरसाइज है। यहाँ पर दोस्तों हम मशीन ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तो मशीन ट्रेनिंग जो है उसमें आपका वेट जो है वो ऑलरेडी फिक्स रहता है, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से जो है वेट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपका माइंड टू मसल कनेक्शन बनाना जो है, जो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है उसको बनाना आसान होता है जब आप एक बिगिनर होते हैं, क्योंकि अगर आप जाते ही फ्री वेट पे, जैसे कि आप डंबल ले लीजिए, डंबल से आप फ्लैट बेंच पे अगर आप डंबल प्रेस कर रहे हैं, आप शोल्डर प्रेस कर रहे हैं डंबल से, आप डंबल से बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, आप सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो माइंड टू मसल कनेक्शन बनाना जो होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू मशीन असिस्टेड एक्सरसाइजेज में। क्योंकि क्या है, जिस वे में मशीन मूव करेगी वहां पर दोस्तों आपका माइंड टू मसल कनेक्शन बनाना बहुत ही आसान है। जैसे कि हमने चेस्ट प्रेस करी, तो चेस्ट प्रेस में क्या है, काइंड ऑफ बारबेल जो है वो वहां पर फिक्स है, आप उसे सिर्फ अप एंड डाउन करेंगे। शोल्डर प्रेस में क्या था हमारा, सिर्फ अप एंड डाउन। तो मूवमेंट क्या है, मूवमेंट पैटर्न जो है वो आपका थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन सेम रहेगा। अब जब हम अप एंड डाउन कर रहे हैं तो वो आगे और पीछे नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर वो फिक्स है। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, जो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत ही आसानी से फॉर्म किया जा सकता है बिगिनर्स में। और जैसे जैसे दोस्तों हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, वैसे वैसे हम फ्री वेट्स पे स्विच करना शुरू करेंगे। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर ज्यादातर मशीन असिस्टेड एक्सरसाइज करेंगे और साथ ही में एक बॉडी वेट एक्सरसाइज। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज के वर्कआउट को हम शुरू करते हैं। तो हम अपने वर्कआउट को शुरू करेंगे यहाँ पर थोड़े से वार्म अप के साथ, जिसमें आपने 5 मिनट के लिए स्लो स्पीड में या तो रनिंग करनी है या फिर 5 मिनट के लिए स्लो स्पीड में आपने साइकिलिंग करनी है। एक बार साइकिलिंग या रनिंग हो जाने के बाद अब आपने यहाँ पर एक मोबिलिटी ड्रिल फॉलो करनी है, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वार्म अप की इम्पॉर्टेंस क्या होती है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी आपको ज़रूरी हैं, कितने सेट करने चाहिए, कितने रेप्स करने चाहिए। इन केस अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो राइट साइड में ऊपर की तरफ ये जो कार्ड पॉपअप हो रहा है, आप इस पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब उस वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि क्या इन एक्सरसाइजेस को करने से हमारी बॉडी पूरे तरीके से वार्म अप हो जाएगी। तो इसका आंसर है दोस्तों, हाँ, आपकी बॉडी फुली वार्म अप हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अभी थोड़े से और वार्म अप की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर अपने बॉडी पार्ट जो आप ट्रेन करने वाले हैं उसके हिसाब से वार्म अप कर सकते हैं। जैसे चेस्ट की एक्सरसाइज करने वाले हैं तो पुशअप कर लीजिए, बैक की करने वाले हैं तो पुलअप्स कर लीजिए, और इसी तरीके से। चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज में, जो कि है चेस्ट प्रेस मशीन।
ये जिस मशीन में मैं अभी वेट लगा रहा हूँ इसे कहते हैं चेस्ट प्रेस मशीन, जिसमें हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज को लेट कर परफॉर्म करने वाले हैं। मेक श्योर वेट जो है वो आपने बहुत ही लाइट रखना है ताकि आप इस एक्सरसाइज से फेमिलियर हो जाएं। इस एक्सरसाइज के हम करेंगे, अगर आप एक सेट करेंगे तो आपने 15 से 20 रेपिटेशन लगाने हैं, और अगर दो सेट करेंगे तो आपने 10 से 15 रेपिटेशन आपने करने हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आप अपने चेस्ट मसल्स को यानी छाती के मसल्स को ट्रेन करेंगे, और मेक श्योर जब आप बार जब आपका नीचे आता है तो आपने सांस अंदर लेनी है, देखिए इस तरीके से, और जब वो ऊपर लेके जाते हैं तो आपने सांस बाहर छोड़नी है। मशीन असिस्टेड एक्सरसाइजेस के बेनिफिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे वीडियो के स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे आते हुए मेरी चेस्ट जो है वो कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रही है, और ऊपर ले जाते हुए कितने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बिगिनर्स के लिए जो चेस्ट मसल्स को डेवलप करना चाह रहे हैं और एक प्रॉपर माइंड टू मसल कनेक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। बढ़ते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज की ओर, जो कि है लैट पुल डाउन्स। ये दोस्तों एक लैट पुल डाउन्स की मशीन है, तो इसमें हम सबसे पहले बैठेंगे, अपने घुटनों को एडजस्ट करना है हमारी हाइट के हिसाब से, उसके बाद हमने बार को पकड़ना है। स्ट्रेट बार का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, और आप देख सकते हैं मेरी जो ग्रिप है वो मेरे शोल्डर विड्थ से थोड़ी सी बाहर की तरफ है। तो ये दोस्तों इसकी प्रॉपर टेक्निक होती है, प्रॉपर यू नो फॉर्म है, आपको बार किस तरीके से पकड़ना है, और जब आप नीचे लेके आएंगे बार, जब आप नीचे खींचेंगे तो मेक श्योर आप अपनी एल्बोस से वेट को पुल करें, वही आपने इस्तेमाल करना है, बिल्कुल लाइट वेट, ताकि आप एक्सरसाइज की जो टेक्निक है उसको आप पकड़ पाएं। साइड से आप देख सकते हैं कि मैं एल्बोस के थ्रू वेट को पुल कर रहा हूं, और जो बार है वो मैं अपनी चेस्ट के पास यानी छाती के पास लेकर आ रहा हूं। जब बार नीचे आएगा तो आपने सांस बाहर छोड़नी है, जब बार ऊपर जाएगा तब आपने सांस अंदर लेनी है। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो लैट्स मसल्स हैं यानी कि लैटिसमस डॉर्सी, ये बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन होंगे, और वी शेप, जिन्हें वी शेप चाहिए बैक में, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों हम तीसरी एक्सरसाइज की ओर, तो तीसरी एक्सरसाइज है हमारे यहाँ पर शोल्डर प्रेस। ये जो मशीन है दोस्तों, ये एडजस्टेबल मशीन है, जो कि आप चेस्ट प्रेस भी बना सकते हैं और शोल्डर प्रेस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने इसको एडजस्ट किया है, आप देख सकते हैं मेरे बैक पे यहाँ पर सपोर्ट है, और अब ये बन गई है शोल्डर प्रेस की मशीन। इसमें भी हम दोस्तों इसके एक सेट करेंगे तो 15 से 20 रेपिटेशन लगाने हैं, और दो सेट करेंगे तो 10 से 15 रेपिटेशन आपने लगाने हैं। आप देख सकते हैं जब बार नीचे आ रहा है तो मेरे शोल्डर जो हैं वो अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं, और मैं सांस अंदर की तरफ ले रहा हूं, और जब बार ऊपर लेके मैं पुश कर रहा हूं, बार को ऊपर पुश कर रहा हूं, तो मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूं और मसल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बिगिनर्स के लिए जो अपने शोल्डर्स को डेवलप करना चाहते हैं, और मशीन असिस्टेड है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बढ़ते हैं हम अपनी चौथी एक्सरसाइज की ओर, जो कि है बाइसेप केबल कर्ल्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट बार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्सरसाइज को आपने कुछ इस तरीके से करना है कि बार जब आपका नीचे जाएगा तो आपने बाइसेप्स मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है, और सांस आपने यहाँ पर अंदर लेनी है, जब बार ऊपर आएगा तो आपने सांस बाहर छोड़नी है, और बाइसेप मसल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है। बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी फॉर्म में हम इसको करेंगे ताकि हम अपने बाइसेप्स पे अच्छे से फोकस करें, और उसको ग्रोथ के लिए हम थोड़ा सा प्रोवोक करें कि भाई अब बाइसेप जो हैं आप बनना शुरू हो जाओ। तो ये जो है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके बाइसेप्स को बढ़ाने के लिए। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो कि है ट्राइसेप केबल पुश डाउन्स। हम फिर से यहाँ पर जो स्ट्रेट बार है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप्स के लिए है। सेम तरीके से करेंगे, एक सेट करेंगे तो 15 से 20 रेपिटेशन, और दो सेट करेंगे तो 10 से 15 रेपिटेशन। और इसकी जो टेक्निक है दोस्तों वो किस तरीके से रहेगी, आप देख सकते हैं कि मेरी जो एल्बोज हैं वो यहाँ पर एक ही जगह पे फिक्स्ड है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बार जब मैं नीचे लेके जा रहा हूँ तो मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूँ और ट्राइसेप्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जब बार ऊपर की तरफ आ रहा है तो एल्बो एक जगह फिक्स है, मैं सांस अंदर की तरफ ले रहा हूँ और ट्राइसेप्स मसल जो है वो अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। तो बिल्कुल धीरे और कंट्रोल फॉर्म में इस एक्सरसाइज को करेंगे तभी आपको रिजल्ट जो है वो अपने ट्राइसेप्स में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं हम छठी एक्सरसाइज की ओर, जो कि है बॉडी वेट स्क्वाट।
बॉडी वेट स्क्वाट जो है दोस्तों वो एक बहुत ही अच्छी कंपाउंड एक्सरसाइज है जो कि आपके ग्लूट्स मसल्स को भी डेवलप करती है, आपके क्वाड्स मसल्स को भी डेवलप करती है और ओवरऑल आपकी लोअर बॉडी में जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है वो इसी एक्सरसाइज की वजह से होती है। तो जिसको एक स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए दोस्तों कभी भी स्क्वाट्स को आपने नेग्लेक्ट नहीं करना। इसकी जो करेक्ट टेक्निक है वो आप वैसे यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप राइट साइड में जो ऊपर कार्ड पॉपअप आ रहा है कि स्क्वाट्स आपको कैसे करने चाहिए तो आप वहाँ पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने वही करना है, एक सेट करेंगे तो 15 से 20 रैप्स और दो सेट करेंगे तो 10 से 15 रैप्स। इसके बाद अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो है दोस्तों वो है लेग कर्ल्स। तो ये जो है मशीन इसको हम बोलते हैं लेग कर्ल्स और ये आपके हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करने में आपकी मदद करती है। इसके भी हम सेम तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, एक सेट करेंगे तो 15 से 20 रेप्स मारने हैं और दो सेट करेंगे तो 10 से 15 रेप्स मारने हैं। मशीन में दोस्तों आपने अच्छे तरीके से अपनी फॉर्म बना लेनी है और अपने हैमस्ट्रिंग्स को आप देखेंगे नीचे जब आ रहे हैं तो मेरे हैमस्ट्रिंग अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है और जब मैं ऊपर की तरफ मशीन को पुल कर रहा हूं तो आप मेरे देख सकते हैं ये बट के नीचे के जो मसल्स हैं वो कितने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स हमारे बट के नीचे वाले मसल्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं। रनिंग करते हुए हैमस्ट्रिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, इवन जब आप चलते हैं तो भी हैमस्ट्रिंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो इसको ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। और यही थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपने इससे कुछ भी नया सीखा देन मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो अभी नए जिम ज्वाइन करने वाले हैं। मेक श्योर आप कमेंट करके बताएं कि आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, कौन सी एक्सरसाइज आपकी फेवरेट है और कौन सी एक्सरसाइज में आपको सबसे ज्यादा मजा आया, उसे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इस वीडियो के नीचे उस पर आप क्लिक कर दीजिए और साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा, फ्यूचर में आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और आप अपने आप को और भी ज़्यादा एजुकेट कर पाएंगे। ऑल्सो मेक श्योर कि वर्कआउट के बाद जो स्ट्रेचिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपका जो रिकवरी प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। आप चाहे तो स्ट्रेचिंग की वीडियोस यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप मेरे थ्रू एक वीडियो देखना चाहेंगे देन कमेंट करके आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, आप सोच रहे होंगे कि आपने इस वर्कआउट को कितने टाइम तक फॉलो करना है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने इस वर्कआउट को जो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है इसको आपने अपने जिम के पहले और दूसरे दिन फॉलो करना है। तीसरे और चौथे दिन के लिए आपको एक और वीडियो मिलेगी, पांचवे और छठे दिन के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी। बेसिकली आपको टोटल 3 वीडियो मिलेगी जिसको आपने 6 दिन तक परफॉर्म करना है। पहली वीडियो को पहले 2 दिन, दूसरी वीडियो को अपने तीसरे और चौथे दिन और जो थर्ड वीडियो है उसमें जो वर्कआउट है वो आपको अपने 5th और 6th डे में फॉलो करना है। और ऐसा आपने इसलिए करना है क्योंकि पहले दिन जाकर जो एक्सरसाइजेज आप करोगे और सेकंड डे में जब उस चीज़ को आप रिपीट करोगे तो आपको ऑलरेडी एक आइडिया होगा कि इन एक्सरसाइजेस को आपने करना कैसे है। तो दैट मीन्स आप मोर कॉन्फिडेंट होंगे और आप कंफर्टेबल होंगे उन सेम एक्सरसाइजेस को करने में, जिससे क्या होगा आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इन एक्सरसाइजेस को आपने ऐसे परफॉर्म करना है। तो ये तो हो गई दोस्तों वर्कआउट की बात कि वर्कआउट आपने कितने दिन फॉलो करना है, इस वर्कआउट को पहले और दूसरे दिन, थर्ड और फोर्थ डे के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, फिफ्थ और सिक्स्थ डे के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों डाइट के बारे में। तो इसके साथ दोस्तों एक अच्छी डाइट फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बिना डाइट के और बिना रिकवरी के वर्कआउट जो जिम में आपने किया है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ कि फुल डे डाइट जो है वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी हुई हैं, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों वीडियो के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और यहाँ पर आई बटन पे भी पॉपअप हो रहे होंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और मेक श्योर कि आप वर्कआउट के बाद अच्छा डाइट लें और जब आप सोएंगे रात में तो मिनिमम 6 to 7 to 8 hours जितना भी पॉसिबल हो पाए आपने सोना ज़रूरी है क्योंकि बिना रिकवरी के बिना स्लीप के बॉडी बनानी बहुत मुश्किल है। तो सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
अच्छा न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब चीज़ों के लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप अच्छा वर्कआउट करें, न्यूट्रिशन अच्छा लें और रिकवरी अच्छे से दें बॉडी को। 6 to 7 to 8 hours जितना भी पॉसिबल हो पाता है उतना सोएं, रात में गर्लफ्रेंड से चैटिंग ना करते हुए आराम से अपनी बॉडी को रेस्ट दें। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइज़।